नीट एस्पायरेंट के लिए सुनहरा मौका, सर सैयद अहमद हाई स्कूल में आइए और दाखिला लीजिए और अपने करियर को संवारिए। हावड़ा टिकियापाड़ा बाईपास। जी मेरा नाम मोहम्मद शमी अंसारी है। मोहम्मद शमी अंसारी जी। ये नीट का जो एग्ज़ाम है सर, ये 2017 से शुरू हुआ, इससे पहले नीट के बजाय ये जो एग्ज़ाम है नीट का, ये बहुत पहले से हो रहा है। बस इसके नाम था ऑल AIPMT, ऑल इंडिया प्री मेडिकल एडमिशन टेस्ट। ये नीट जो है फर्स्ट टाइम इन शुरुआत हुए थे, ये जो नाम नीट ये 2013 में हुए थे, फिर उसके बाद AIPMT हो गए, ऑल इंडिया प्री मेडिकल एडमिशन टेस्ट, जो ऑल इंडिया के बच्चे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। फिर बीच में 2015 में तक ऑल इंडिया प्री मेडिकल एडमिशन हुआ, 2016 से ये नीट एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ। किसके अंडर होता है सर ये आपका NTA के अंदर होता है, NTA कंडक्ट करते हैं नीट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नए लड़कों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि यहाँ पे आके इस अदारे में आके अपने जो तालीमी इजाफा है उसमें इजाफा करें और डॉक्टर बनने की सलाहियत जो उनके अंदर होनी चाहिए वो यहाँ से हासिल करें। ऐसे बच्चों को जो बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन माली की परेशानी से वो पीछे हट जाते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो नीट के मुतल्लिक जानते ही नहीं हैं, उन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो व्हाट इज़ द नीट? जी बेसिकली बहुत सारे बच्चे लोग हैं कि सब लोगों को बोला जाता है कि डायरेक्ट बड़े ख्वाब, तो ये नीट के जरिए सब लोग के दिमाग में आते हैं कि डॉक्टर बनना सब लोग का। उसी तरह से सब लोग क्या होते हैं, बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं सिर्फ डॉक्टर, अरे डॉक्टर के बाद भी और भी इस नीट के जरिए एग्जामिनेशन होते हैं, नीट के जरिए और भी अलग फील्ड है जिसमें एडमिशन होते हैं। और मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ जिन लोग ख्वाब देखते हैं डॉक्टर बनने का, उनको उनके लिए ये कंपलसरी हो गया है नीट। लेकिन और उन लोगों को भी बोलना चाहता हूँ मैं जो लोग नीट से एग्ज़ाम थक चुके हैं, बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं वो यहाँ पे आएँ सर सैयद में, उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है। जैसे बहुत लोगों को पता नहीं है और भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि जिन पास, जैसे कि स्टेट मेडिकल फैकल्टी स्टाफ सिलेक्शन, जैसे कि और भी फार्मासिस्ट होते हैं, और भी अदर ऑप्शन बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं आप लोग। बहुत लोग क्या होते हैं बहुत साल प्रिपरेशन करते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता, अगर एक साल नीट के लिए प्रिपेयर करें लेकिन एग्ज़ाम सारे दें, एग्ज़ाम सारे देने से आपको जहाँ पे गवर्नमेंट सीट मिलते हैं आप पहले उसको हासिल कीजिए, आप फिर आगे बढ़ते हैं। हर एक छोटा सा सीट कितनी होती है जी? ये हर, हाँ ये हर हर स्टेट में अलग अलग है। वेस्ट बंगाल में लास्ट 2 ईयर्स का अगर हम लोग बात करेंगे ये लगभग 3000 गवर्नमेंट सीट थे, ये अभी बढ़ते जा रहे हैं, ये अभी फ़िलहाल देखेंगे 5000 के लगभग गवर्नमेंट सीट्स हैं, ये अप्रॉक्स है। ये ऑल इंडिया में 30,000 के लगभग सीट्स होते हैं लेकिन ये वेस्ट बंगाल एक ऐसे स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट सीट्स देखने को मिलते हैं। कितने बच्चे एग्जाम देते हैं, कितने पास करते हैं? ऑल इंडिया जो पास क्या है जी, ऑल इंडिया की बात करेंगे तो ऑल इंडिया में पिछले साल जस्ट जो नीट हुआ है वो 25,70,000 के करीब सब लोग बच्चे ने एग्ज़ाम दिया। अब इस बार अभी काउंसलिंग के लिए अब सब लोग वेट करें, काउंसलिंग शुरुआत होने वाली है कि अभी भी हियरिंग, अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग को हम लोगों का डिले कर दिया गया है और 18 जुलाई को फिर से हियरिंग की बात किया गया है, तो इसके लिए वेटिंग में है काउंसलिंग के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इस नीट एग्ज़ाम में हम सिर्फ MBBS या BDS ही कर सकते हैं? नहीं, ये नीट एग्ज़ाम के जरिए हम लोग MBBS कर सकते हैं, BDS कर सकते हैं, BAMS कर सकते हैं, आयुर्वेदिक है ये, हम लोग BHMS कर सकते हैं, होम्योपैथिक है ये, हम लोग BUMS कर सकते हैं, ये यूनानी मेडिकल, ये सभी जो फील्ड है यहाँ पे, ये सभी फील्ड से सब लोग जो ग्रेजुएशन करते हैं वो सब जनरल प्रैक्टिशनर के अंदर आते हैं और सब इक्विवेलेंट होते हैं MBBS के। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेडिकल सेक्टर में बहुत सारे अभी फील्ड हैं जो बच्चे लोगों को, बहुत लोगों को नहीं पता है, अगर उन लोगों को और भी जानकारी चाहिए तो सर सैयद में आकर यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं, यहाँ पे अलग से काउंसलिंग भी सेशन भी होगा। ये सिर्फ 200 नंबर का ही एग्ज़ाम होता है? ये 200 नंबर नहीं, यहाँ पे 200 सवाल होते हैं जिसमें से 180 सवाल कंपलसरी बनाने होते हैं और एक सवाल में 4 मार्क्स मिलते हैं, अगर एक सवाल गलत करते हैं तो -1 एक मार्क्स कम हो जाते हैं, अगर सवाल नहीं बनाते हैं, अगर कोई अटेम्प्ट नहीं करते उसका कोई मार्क्स नहीं डिडक्ट होता। सर टोटल नंबर 720, टोटल नंबर 180 सवाल करेक्ट करने से 720 होता है।